समझ गए, उसके नाम का स्मरण, उसमें प्रीति और उसके तत्व का सत्संग, ये शोक को हर लेगा, चिंता को हर लेगा, अहंकार को हर लेगा, पाप को हर लेगा, हृदय में परमात्म तत्व को प्रकट कर लेगा। बस कोई कठिन थोड़ी है। तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, उन लोगों के लिए मैं सुलभ हूं जो नित्य युक्त योगी है। नित्य स्मरण करो, नित्य उसके चिंतन में लगो। ऐसा नहीं थोड़ी देर इधर आए तो भगत बन गए, फिर संसार में गए तो वही उल्टे सीधे विचारों में फंसे रहे। नहीं, नित्य निरंतर लग जा, उसी का स्मरण, उसी का चिंतन, उसी का विचार। ओम 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 हरि 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 राम 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 राम। एक एक युग का एक एक तारणहार मंत्र है। सतयुग का तारण, सतयुग के दोष से मनुष्य को तार ले, वो सतयुगी मंत्र था। द्वापर का भी दूसरा मंत्र, त्रेता का तीसरा, कलयुग का ये चौथा मंत्र है। कलयुग के दोषों से तार दे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जिसके घर में कलयुग हो, झगड़े होते होंगे तो कलयुग है, तो घर के लोग दिया अगरबत्ती करके अपना। एक ब्राह्मण भीख मांग रहा था किसी दुकान पे, मंगलम भगवान को दक्षिण। अकबर ने कहा, बीरबल ये ब्राह्मण भीख मांगता है? बोले, इसको गुरु नहीं मिला है, इसको भगवान की महिमा का पता नहीं। बोले, तो गुरु मिलेगा या महिमा का पता चलेगा तो क्या होगा? बोले, राजन, मनुष्य तब तक भिखारी है जब तक उसको गुरु नहीं मिला और भगवान के नाम की महिमा का पता नहीं चला। दुखी भी तब तक रहता है और भीख मंगा भी तब तक है। बोले, ये कैसे? बोले, राजा, कुछ दिन हमको समय दो, फिर देखो आप ये ब्राह्मण को, आप पहचान लो। ब्राह्मण का नाम ठाम एड्रेस ले लिया। बीरबल उसके घर गए रात को। बोले, देख, और सुबह का अमृत वेले का समय, रात को भी तो बीच में भी कभी कभी स्मरण कर लेता था। नाम जपत मंगल दिशा दशों, जप करने से घर में, उसके शरीर में और घर में भी मंगल मैं तन्मात्राएं वाइब्रेशन फैलने लगे। ब्राह्मण की इज्जत भी होने लगी और भी लोग सीधा सामान दक्षिणा देने लगे। ऐसा कुछ महीने बीत गए। ब्राह्मण ने देखा कि मैं बीरबल के लिए जप करता हूँ तो भी इतनी बरकत आ रही है और इतनी शांति और आनंद आ रहा है, तो पैसे लेके किसी के लिए जप करे तो इतना फायदा है, तो फिर मैं भगवान के लिए क्यों ना करूँ, अपने लिए क्यों ना करूँ। बीरबल को कहा कि भाई, बस आपकी अशर्फियाँ बहुत हो गई, घर में भी सब चंगा हो गया है, अब तो अति संग्रह की इच्छा नहीं होती, कोई भक्ति का धन इकट्ठा करना ही सार है,
बाहर के धन में ज्यादा संग्रह करने से ज्यादा मुसीबत होती। आप अशर्फी मत भेजो, बीरबल ने देखा कि दाव ठीक लग गया हमारा। बीरबल निगरानी रख रहा था। ब्राह्मण जब अपने लिए जप करता है और नियम से प्रभात को संतों के संग की सत्संग की महिमा की पुस्तक पढ़ता है, ब्राह्मण गदगद हो गया। बुद्धि में विवेक वैराग्य मोक्ष की इच्छा सद्गुण जागृत हुए। पत्नी को कहा कि अब घर में काम क्रोध लोभ विकारों का वातावरण रहता है, प्रभात वेले जो जप ध्यान में आनंद शांति रहता है, फिर दिन में मेरा बिखर जाता है। अब मुझे एकांत में जाके साधना करनी है। पत्नी बुद्धिमान थी, सुशील थी, भगवान नाम महिमा का उसने अनुभव भी किया था, कभी कभार कथा में भी सुन रखा था। बोले नाथ अवश्य जाओ, एकांत में जाकर भजन करोगे तो घर बैठे आधा पुण्य तो मुझे मिलेगा, आप तो अवश्य जाओ, मैं आपका सामान तैयार कर देती हूँ। वो ब्राह्मण चला गया एकांत में। तो एकांत में भजन ध्यान करने से जो महीने महीने मासिक धर्म में बेटी के या पत्नी के दर्शन होता था, प्रभाव कम होता था, वो भी प्रभाव सुरक्षित हुआ और जप ध्यान का प्रभाव बढ़ गया। तो जहाँ एकांत में रहते थे वहाँ भी लोग उनके दर्शन करने को आने लगे, जैसे बापूजी के दर्शन करने आते ना लोग, नहीं आते हो ऐसे उस ब्राह्मण के भी दर्शन करने लोग, समझो ब्राह्मण छोटा बापूजी बन गया। धीरे धीरे दूर तक खबर पहुंची। अकबर ने कहा बीरबल को कि एक संत पुरुष हैं, बड़े एकांत में रहते हैं और बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं और उनके दर्शन से उनकी निगाहों से दूसरों को शांति मिलती। अपन चले। बीरबल ने कहा चलो जहां पर। तो महाराज के दर्शन किए, शांति से बैठे, महाराज के जो दो शब्द थे वो सुने। अकबर को हुआ कि ऐसे पुरुष के साथ दो वचन बात करने के मिल जाए तो अच्छा है, मेरे साथ बात करने की किसकी इच्छा होती है, हाथ ऊपर करो। ऐसे अकबर की भी हो गई थी, समझ गए। महाराज कुटिया में गए, महाराज आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, आपको कोई चीज वस्तु की आवश्यकता हो तो जरा सा संकेत करना, मैं राज्य के तरफ से सारी व्यवस्था करवा दूंगा। बोले राजन मुझे कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं।